अगर आपका एज 18 साल से कम है और आप फोन पे यूज करना चाहते हैं, फोन पे चलाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फोन पे कैसे यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, आखिर में आपको बोनस ट्रिक दूंगा जिसके थ्रू भी आप यूपीआई यूज कर सकते हैं अगर चाहे आपका एज 18 साल से कम हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फोन पे को डाउनलोड कर लेंगे, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर एंटर करके प्रोसीड कर देना है। जिस मोबाइल नंबर से आप फोन पे चलाना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, आपको फिल करने की जरूरत नहीं है और आप फोन पे में लॉग इन हो जाएंगे। तो यहाँ पर बैंकों का लिस्ट आ जाएगा, तो आपका जिस भी बैंक अकाउंट है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके बैंकों को फोन पर ऐड कर देना है। अगर आपका एज 18 साल से कम है, आप माइनर है, तो किस बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे ताकि आप फोन पे यूज कर पाए, मैं यहाँ पर कुछ बैंकों का नाम यहाँ पर रिकमेंड करूंगा। आप उन बैंकों में अकाउंट ओपन करके फोन पे यूज कर सकते हैं अगर आपका एज 18 साल से कम है। तो यहाँ पर मैं स्किप कर देता हूँ, मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं स्किप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने वही ऑप्शन आएगा बैंक अकाउंट ऐड करने का। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप माइनर है, अगर आपका एज 18 साल से कम है, तो यह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। किस तरीके से अकाउंट ओपन करना है मैं आपको बता दूंगा, इसके अलावा और कौन कौन से बैंक है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं अगर आपका एज 18 साल से कम है तो किस तरीके से आप फोन पे यूज करेंगे, पहले ऐड करके दिखा देते हैं, लाइव प्रोसेस में आपको दिखा देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस बैंक में आपका अकाउंट ओपन करना है और कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आ चुका है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो आपका अकाउंट को फाइंड करेगा जिस मोबाइल नंबर से आपने फोन पे में लॉगिन किया है उस मोबाइल नंबर के साथ ये अकाउंट लिंक है कि नहीं ये फाइंड करेगा, ठीक है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक फोन पे में ऐड हो जाएगा, ऐड करने के बाद ही आप कहेंगे कि फोन पे यूज करेंगे तो फोन पे यूज नहीं कर सकते। सबसे पहला आपको यूपीआई पिन सेट करना होगा, तो किस तरीके से आप यूपीआई पिन सेट करेंगे ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पर आपको रीसेट पिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अगर आप पहली मरतबा फोन पे में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को ऐड करेंगे तो यहाँ पर सेट पिन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर एटीएम कार्ड का डिटेल्स मांगेगा, डेबिट कार्ड का डिटेल्स मांगेगा, तो ये आपको कैसे मिलेगा, आप अकाउंट ओपन कर लेंगे। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर इसका मोबाइल बैंकिंग को ओपन करना है, मोबाइल बैंकिंग को ओपन करेंगे, यहाँ पर एम पिन इंटर करेंगे। लॉग इन करने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर रुपे डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है आपको मिल जाएगा। इसी वर्चुअल डेबिट कार्ड से आप पिन सेट कर पाएंगे और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से फोन पे यूज कर पाएंगे। तो इसका डिटेल्स देखने के लिए व्यू कार्ड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एम पिन इंटर करेंगे तो इसका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है इसका पूरा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको एटीएम कार्ड का नंबर मिल जाएगा, डेबिट कार्ड का नंबर मिल जाएगा, 16 नंबर रहता है, आखिरी 6 नंबर आपको नोट कर लेना है। और यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट और ईयर भी मिल जाएगा, इसको आपको नोट कर लेना है। उसके बाद फिर आपको फोन पे को ओपन करना है और यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड का डिटेल्स फिल कर देना है, एटीएम कार्ड का आखिरी 6 नंबर यहाँ पर इंटर कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर एक्सपेरिमेंट और ईयर इंटर करेंगे। देन यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर परमिशन मांगेगा, अलाउ करेंगे। तो आपके बैंक अकाउंट के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। और जो यूपीआई पिन आप सेट करना चाहते हैं वो यूपीआई पिन यहाँ पर इंटर करेंगे, एक मरतबा इंटर करने के बाद ओके करेंगे, यहाँ पर दोबारा इंटर करेंगे यूपीआई पिन को कन्फर्म करने के लिए, उसके बाद फिर ओके करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग होगा, यहाँ पर थोड़ा टाइम लग सकता है और देखें यूपीआई पिन सेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप इंडिया पोस्ट पेमेंट का यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं और फोन पे मेड कर सकते हैं। इतना काम करने के बाद आप फोन पे आसानी के साथ यूज कर सकते हैं, किसी को पैसा ट्रांसफर करना हो, बैलेंस चेक करना हो, हर चीज आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, बैलेंस चेक करके चेक बैलेंस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट इस पर क्लिक करेंगे। आपने अभी जो यूपीआई पिन सेट किया है वो यूपीआई पिन यहाँ पर इंटर करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे तो यहाँ पर आपके जो बैलेंस उसको फेच करेगा। तो यहाँ पर देखिए बैलेंस चेक हो गया। अब आइए मैं आपको बता देता हूँ आप किन किन बैंकों में अकाउंट ओपन करेंगे ताकि आप फोन पे यूज कर सके, फोन पे चला सके। पहली बात इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, लेकिन किस तरीके से अकाउंट ओपन करना है। अगर आप माइनर है तो ऑनलाइन अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, आपको पोस्ट ऑफिस जाना होगा, नियरेस्ट में जो भी पोस्ट ऑफिस है वहां पर जाएंगे और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि पोस्ट ऑफिस में पैसा भी मांगता है, तो देखिए अगर पैसा मांग रहा है तो पैसा लेने का अलाउ तो है नहीं, अगर मांग रहा है तो पैसा आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा।
तो सिंपली आप पैसा देकर अकाउंट ओपन कर लीजिए, और फिर जब अकाउंट ओपन हो जाएगा तो जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरीका को फॉलो करके आप माइनर है फिर भी फोन पे यूज कर पाएंगे। इसी तरीके से आप पेटीएम पेमेंट बैंक में भी अकाउंट ओपन करके फोन पे यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अकाउंट ओपन नहीं हो रहा। और तीसरा बैंक, अगर आपका एज 18 साल से कम है और आप फोन पे यूज करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट बैंक जो है वह फिनो पेमेंट बैंक। आपके यहाँ पर गली गली में फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांच मिल जाएगा, सीएसबी मिल जाएगा, वहां जाएंगे और वहां जाकर आप अकाउंट ओपन कर लेंगे। 10 साल से ऊपर का अकाउंट ओपन हो जाता है और अकाउंट ओपन करते ही आपको एटीएम कार्ड मिल जाता है। अब एटीएम कार्ड के थ्रू जो मैंने आपको तरीका बताया इसी तरीका को फॉलो करके इजिली आप फोन पे यूज कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपका एज 18 साल से कम है तो आप किस तरीके से फोन पे यूज करेंगे। यही तरीका आप पेटीएम गूगल पे में भी अप्लाई कर लेना। बाकी वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिए, और इन बैंकों में से किस बैंक में आप अकाउंट ओपन करेंगे फोन पे यूज करने के लिए वो भी बता देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।